मुजफ्फरनगर के अलनूर प्लांट पर मजदूरों का बकाया पैसा दिलाने की मांग को लेकर भाकियू कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर के अलनूर प्लांट मालिक के द्वारा मजदूरों का बकाया पैसा न देने तथा मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर करने को लेकर किसान यूनियन के नेता के नेतृत्व में दो दर्जन की संख्या में मजदूरों ने फैक्ट्री पर जोरदार नारों के साथ हंगामा किया। शनिवार को गांव निराना निवासी किसान यूनियन के नेता महासवर गौर के नेतृत्व में दो दर्जन के लगभग मजदूरों ने फैक्ट्री मालिक पर आरोप लगाते हुए बताया। गांव निराना में स्थित नाले पर अलनूर प्लांट के नाम से एक फैक्ट्री है जिसमें लगभग 350 मजदूर कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि 2020 में यह प्लांट बंद हो गया था। इसके बाद यह प्लांट मिसबाह वालों को किराए पर दे दिया गया तथा प्लांट के सभी मजदूर पुराने ही हैं। कुछ दिन बाद मिसबाह वाले फैक्ट्री छोड़कर भाग गए जिसमें मजदूरों के लगभग 8 लाख रुपए रुके हुए हैं। फैक्ट्री के मालिक द्वारा मजदूरों से कहा गया कि आप सभी लोग टेंशन ना लें, आपको पेमेंट हम देंगे और जल्द ही फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, जिसमें उन्होंने उन्हें सिर्फ 30% पेमेंट ही दिया है। और अब फैक्ट्री मालिकों द्वारा यह फैक्ट्री फिर से मिसबाह वालों को रेंट पर दे दी गई है और पुराने लोगों को यहां से निकाला जा रहा है। वहीं मजदूरों का कहना है कि उनका पुराना पेमेंट और उन्हें काम दोनों चाहिए। यदि फैक्ट्री मालिक उनकी मांगे पूरी नहीं करते तो वह रविवार से सभी किसान यूनियन नेता के नेतृत्व में फैक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वहीं किसान नेता ने बताया कि संबंध में हमने जिलाधिकारी को भी अवगत कराया है, लेकिन कोई अभी तक फैक्ट्री मालिक की ओर से मजदूरों का समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर किसान यूनियन के नेतृत्व में मजदूर फैक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होने तथा किसी को अंदर एंट्री नहीं करने दी जाएगी। मामला यह है, 2 साल से फैक्ट्री बंद हो गई थी, तो बीच में लोगों ने मिसबा वालों को रेंट भी दी थी। हमारी पुरानी जो लेबर थी वो सब काम कर रही थी मिसबा वालों के साथ में। उन लोगों पे लगभग 70-80 लाख रुपए रुक गए थे। उन्होंने 30% पेमेंट किया था, बाकी रोक लिया था। 1.5 साल से ये लोग यहीं पे है, ना इन्हें काम दिया जा रहा है ना इनके पेमेंट दिया जा रहा है। और आश्वासन दे रखा था कि किसी को भी हम फैक्ट्री दे या खुद रखे, पुरानी लेबर काम करेगी। पुरानी लेबर को ये भगा रहे और नई लेबर इन्होंने अंदर दाखिल कर लिया। तो आपकी क्या मांग है? मेरी मांग ये है कि तो ये फैक्ट्री प्लांट ही बंद हो या फिर पुरानी लेबर ये काम करे। तो इसके विषय में किसी से बातचीत हुई आपकी? इसके विषय में मेरी बात हुई है, प्रिया सूद से भी बात हुई थी। वो कह रही थी कि हो जाएगा काम, हो जाएगा मंडे, हो जाएगा ट्यूसडे, हो जाएगा। ऐसे ही एक जुमलेबाजी है उन लोगों की, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है लोगों का। मैं कह रहा हूँ कि अगर आज इन्होंने कुछ करते तो ठीक है, नहीं तो कल से ताला डल जाएगा और कोई भी कर्मचारी अंदर नहीं एंट्री होगी, वो जीएम हो या मालिक हो इस फैक्ट्री का, कल से किसी की एंट्री नहीं होगी। हमने ज्ञापन डीएम साहब को भी दे दिया, आज कल उनसे भी बात होगी। बाकी ये है कि अगर कोई भी, हाँ हम बाहर बैठ जाएंगे कल से धरने पे, 350 लोग हैं, हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए हमें।